और अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई में स्वर्ण व्यवसाय से लूटपाट मामले में फरार मुख्य आरोपी समेत दो अपराधियों को पुलिस ने 1,00,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गत 1 मार्च को जुगसलाई में स्वर्ण व्यवसायी मंटू करमकार से सोना एवं 85,000 लूट मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस कांड में फरार मुख्य आरोपी मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद आलमगीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 1,00,000 रुपए नकद, एक ऑटो और एक बाइक बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि मोहम्मद इम्तियाज कुख्यात अपराधकर्मी है और आदित्यपुर स्थित बिग बाजार में डकैती को भी अंजाम दिया था। रात्रि में कलकत्ता के सोना व्यवसायी मिंटू कर्मकार के साथ में जो लूट की घटना हुई थी, जिसमें करीब 12,00,000 के जेवरात और कैश अपराधकर्मियों द्वारा लूटा गया था। इस घटनाक्रम का पूर्व में ही उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया था और इसमें 4 अपराधकर्मी जो शामिल, 6 अपराधकर्मी और 2 सोना उनको गिरफ्तार किया था और उनके पास से करीब 7.5 लाख मूल्य का जो है कैश और सोना का सामान जो है बरामद किया गया था। शेष 2 अपराधकर्मी जो इसमें बचे हुए थे, मोहम्मद इम्तियाज वारसी उर्फ छोटा चीनी, जो कि कुख्यात अपराधकर्मी है और जिले में कई केसेस में वांछित भी है, और इसके अलावा जो बिग बाजार आदित्यपुर में जो डकैती की घटना हुई थी उसका ये मुख्य अभियुक्त रहा है। इसके अलावा ये कड़ीपार का भी अभी इसमें इसको कड़ीपार भी किया गया था, और मोहम्मद रक्कू जो इसका साथीदार है ये फिरार थे और भागे चल रहे थे। इसी में जो टीम इसमें गठन की गई थी स्पेशल टीम के द्वारा जो है दोनों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है, और अपराधकर्मियों के पास में इस घटना में जो सोना लूटा था उसको बेचने के बाद जो राशि इनको मिली थी करीब 1,00,000 नगद राशि, उसके अलावा लूट की राशि से इन्होंने एक टेम्पो खरीदा था, उस टेम्पो को और लूट में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी घटना में वो मोटरसाइकिल, ये तीनों बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे टीम का नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे और इसमें थाना प्रभारी जुगसलाई, वानगो, कदमा, बर्मा माइंस, उलीडी के थाना प्रभारी शामिल थे। इसके अलावा जुगसलाई और तकनीकी शाखा के जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उद्भेदित किया है, और ये पूरा गिरोह जो है 6 अपराधकर्मी और 2 सोनार, ये पूरा गिरोह उद्भेदित होके सभी को अरेस्ट कर लिया गया और लूट का लगभग सारा जो सामान है वो बरामद कर लिया गया। हाथा से मजदूरी करने टाटा रहे करीब 25 मजदूर एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए, सभी को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथा व आसपास के गांवों से मजदूर प्रतिदिन रोजी रोटी के लिए टाटा आकर मजदूरी करते हैं। बुधवार को एक डाला टेम्पो में करीब 25 मजदूर सवार होकर आ रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 25 मजदूरों को काफी बाहरी व अंदरूनी चोटें आई हैं। सभी को एक अन्य वाहन के जरिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगह था क्या गाड़ी था? टेम्पो था, टेम्पो डाला वाला टेम्पो, बताते नहीं डाला टेम्पो था। इन लोग अपना घरपाल से, गांव घरपाल है, वहां से इन लोग अपना रोजी रोटी के लिए टाटा आता है। 3 प्लेट कोई मंडल को ठेकेदार है उसका अंडर में काम करता है, ठीक है। इन्हों कोई बाल बच्चा छोड़ के अपना पेट के लिए लोग आता है। तो ड्राइवर कोई फोन से बात हो रहा था, संभलने से कहा हाथा का बगल में गाड़ी पलटी हो गया। कितना आदमी घायल? 25 आदमी घायल हो, किसका कमर में दर्द हो गया, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का गर्दन टूट गया है, कई तरह से घायल, कोई जख्मी उतना खास नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर खबर मिले तो हम लोग सब आदमी को अपना संजय सौ का गाड़ी में हम लोग ले गए हैं। पूरा खाली था जैसे हम लोग झाड़ी तरफ ले गया ना, हम सोचा गाड़ी तो पार्टी हो जाएगा, उस टाइम पार्टी हो गई, पार्टी जैसे हो गई ना सर, चेकअप कराओगे नीचे सब सामान। कितना बीस 25 आदमी था, टेम्पो गाड़ी। कितना आदमी था? 25 लोग। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ उपायुक्त ने बुधवार को
कई राजकीय एवं मध्य विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा और जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह के साथ कई राजकीय व मध्य विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और रजिस्ट्रार जांचा। उन्होंने कई विद्यालयों में शिक्षकों को अनुपस्थित पाया और दोनों पदाधिकारियों को जांच उपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अनुपस्थित शिक्षकों के स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हम लोग सवेरे से 1:15 तक टिफिन टाइम तक हम लोगों ने 8 स्कूल को देखा है और हम लोगों के साथ डीसी साहब थे, हम थे, जिला शिक्षा अधीक्षक भी थे, तो हम लोगों ने देखा है। इस तरह का कोई मतलब गंभीर कुछ वो तो नहीं मिला है, लेकिन ये देखा गया है कि कहीं कहीं पे शिक्षकों की संख्या बच्चों जैसे बच्चे कम हैं नामांकित और शिक्षक ज़्यादा हैं, तो ये देखा गया कि अगर समीक्षा कर ली जाए, डीसी साहब का एक निर्देश हुआ है कि वो समीक्षा कर लें, डीएससी साहब अपना देख लें, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको रेशनलाइज करने का हम लोग करें कि ऐसा ना हो कि कहीं पे 100 बच्चा है दो ही टीचर है और कहीं पर 50 बच्चा है वहाँ 5 टीचर है, तो इसको देखना है, इसको देखना भी है। वे भी निजी स्कूलों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के साथ जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने उपायुक्त से मुलाकात की। विभिन्न निजी अंग्रेजी स्कूलों में 8वीं के छात्रों को आरटीई के नियमों की अवहेलना कर अनुत्तीर्ण कर दिए जाने का सिलसिला हर वर्ष चलता है और हर वर्ष विरोध भी होता है और फिर शांति छा जाती है। जमशेदपुर अभिभावक संघ इस दरमियान काफी सक्रिय रहता है। 8 बच्चे को कानून जो अधिनियम है आरटी अधिनियम उसके सेक्शन 16 में प्रावधान होने के बावजूद भी कि क्लास 1 से क्लास 8 के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी हर साल स्कूलों द्वारा इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह साफ जाहिर हो रहा है कि स्कूल प्रशासन जिला प्रशासन के पैरेलल में एक सत्ता चला रही है। यह हर साल हर प्रक्रिया चलती है, हंगामा होता है, फिर स्कूल प्रबंधन बच्चों को प्रमोट करते हैं। इस पर एक पूर्ण विराम लगे, हम जिला प्रशासन से यही मांग करने हैं। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में फल दिए जाने की पुष्टि करने जब न्यूज टाइम्स की टीम कई विद्यालयों का दौरा किया तो इसे निराधार पाया। सूचना मिली थी कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को बुधवार से फल दिए जाएंगे। कुछ स्कूलों का दौरा किया गया तो इसे निराधार पाया गया। मध्याह्न भोजन अन्य दिनों की तरह ही परोसा गया। पूछे जाने पर शिक्षिका ने ऐसी कोई भी जानकारी से इनकार किया। फल तो नहीं आया है, जो सब दिन आता है वही आया। ऐसा आप लोग को जानकारी था कि आज से फल आने वाला था? पेपर में पढ़े थे। पेपर में पढ़े थे, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला था? कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। जो रेगुलर खाना आता था वही खाना है? हर दिन का मेनू के अनुसार जो आता है बस। रेस्टोरेंट में कुछ नहीं दिया? नहीं। तो नाम बता दिए। जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि जिसको यूनियन का चुनाव भी समय पर होगा, वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव समय पर और पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से होगा, ये कहना है यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे का। न्यूज टाइम से बातचीत के दौरान हाल ही में संपन्न टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में करारी हार की निराशा उनके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। उन्होंने जिसको यूनियन में रहकर अपने कार्यों और अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। रियोबलाइजेशन हो जाना और कई एक विभाग का अभी हाल में DBGR, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डिमना, लैब, प्रोक्योरमेंट, अन्य सभी विभागों में रिवर्जन हो जाना, और कोई 100% नहीं कह सकता ये काम हम कर देंगे, लेकिन हमने 99% हम लोगों ने कर दिया, ये बात आप बता देना चाहते हैं कि बच्चों में से लेने की बात हम लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा के लिए भी प्रयास हम लोग निकालते रहते हैं और निकालेंगे कि नौकरी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जिसका श्रमिक यूनियन का उस तरफ भी हम लोग का काफ़ी ध्यान है। उसके बाद जो NS नए लड़के हैं JS ग्रेड में, उनके लिए हम लोगों ने 62 क्वार्टर ला के दिया, 62 क्वार्टर, 62 हमारा जिसको का अपना क्वार्टर नहीं है लेकिन 62 क्वार्टर हम लोग ला के दिया है। ये सब चीज़ ये उपलब्धि है जिसको।